अस्सलाम वालेकुम। आज हम वॉल डिकॉल लगाने के बारे में जानेंगे। सिमरन सिनान की वेबसाइट से ये डिकॉल ऑर्डर किए जा सकते हैं। तमाम वॉल डिकॉल स्पेशली मेड बॉक्सेस में डिलीवर किए जाते हैं। डिकॉल लगाने के लिए आपको चाहिए स्केल या इंची टेप, पेंसिल, कटर या सीजर, मास्किंग टेप, वॉल सरफेस साफ करने के लिए स्पॉन्ज। डिकॉल अनबॉक्स करने के लिए तीनों साइड से टेप कट कर लें। डिकॉल लगाने से एक रोज पहले आप इसे किसी भी फ्लैट सरफेस पर वजन के साथ फैलाकर रख दें। बॉक्स में मौजूद स्क्वीची कार्ड को संभाल कर रखें। 24 घंटे गुजरने के बाद डिकॉल काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाएगा। डिकॉल पर लगी हिदायत को ज़रूर पढ़ें, यह आपको डिकॉल लगाने में मददगार साबित होंगी। स्क्वीजी कार्ड की मदद से डिकॉल की बैक और फ्रंट साइड को अच्छी तरह रब कर लें। इस बात का ख्याल रखें कि रबिंग सिर्फ इस जगह करें जहां वाइनल डिजाइन हो। मकसद वाइनल डिजाइन को ट्रांसफर टेप से अच्छी तरह जोड़ना है। डिकॉल लगाने से पहले अच्छी तरह उसकी पोजीशन को प्लान कर लें। बैकिंग पेपर हट जाने के बाद डिकॉल को रीपोजिशन करना मुमकिन नहीं होगा। सेंटर मार्क लगा रहे हैं ताकि डिकॉल एग्जैक्ट दरमियान में लगाया जा सके। पहले से कटे हुए मास्किंग टेप के पीसेस काफी हेल्पफुल रहेंगे। हम डिकॉल के साइज के हिसाब से सेंटर हिंज मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे डिकॉल के लिए साइड हिंज मेथड यूज किया जा सकता है। बैकिंग पेपर उतारते वक्त बहुत एहतियात से काम लें। बैकिंग पेपर का एंगल जीरो होना चाहिए, यानी वॉल के बिल्कुल मतवाजी। कोशिश करें आपका हाथ वाइनल को टच ना करे। इस दौरान वाइनल डिजाइन का ख्याल रखें कि तमाम डिजाइन ट्रांसफर टेप पर रह जाए। बैकिंग पेपर कट करने के बाद अब आप ट्रांसफर टेप को वॉल पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के दौरान एयर बबल या रिंकल्स नहीं आने चाहिए।
निकाल के बाकी हिस्से का बैकिंग पेपर भी उतार लेंगे। इस प्रोसेस को टाइम दीजिए, सब्र से काम लें, जल्दबाजी काम खराब कर सकती है। वाइनल डिज़ाइन के बारीक हिस्सों का ख्याल रखें। बैकिंग पेपर रिमूव करने के बाद डिकॉल को एहतियात से वॉल पर पेस्ट कर दें। अब आप डिकॉल को कंप्लीट करने से सिर्फ एक स्टेप दूर हैं। ट्रांसफ़र टेप उतारने से पहले आप अच्छी तरह स्क्वीजी कार्ड की मदद से तमाम डिज़ाइन को रब कर लें ताकि वाइनल अच्छी तरह से वॉल से स्टिक हो जाए। सिर्फ डिज़ाइन को रब करेंगे, खाली हिस्से को नहीं। रबिंग के बाद बेहतर होगा कि ट्रांसफ़र टेप उतारने से पहले डिकॉल को आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ट्रांसफ़र टेप उतारते हुए सब्र से काम लें, जल्दबाजी में डिज़ाइन के बारीक हिस्से डैमेज हो सकते हैं। पैकिंग पेपर की तरह ट्रांसफ़र टेप भी उतारते वक्त एंगल ज़ीरो होना चाहिए, यानी वॉल के मतवाजी। वाइनल डिज़ाइन का कोई हिस्सा ट्रांसफ़र टेप पर रह जाए तो दोबारा वापस होकर उस पर प्रेशर अप्लाई करें। वी होप कि आप अपना वॉल डिकॉल बहुत आसानी से लगा सकेंगे। सिमरन सिन्हान की वेबसाइट से आप अपना वॉल डिकॉल अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप होम डिकॉर से रिलेटेड मज़ीद आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।